चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज का भी वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ जो कल एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है ऑनर मैजिक बुक 15 के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ऑनर का जो प्रोडक्ट है लैपटॉप मैजिक बुक 15 के नाम से, ये इसका अपन आज रिव्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है, इसको इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर दिखता है। जो ऊपरी जो पर बॉडी है उसकी, वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो अच्छी बात है क्योंकि जब ये एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर रहता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अगर गिर भी जाता है कभी लैपटॉप तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, टूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके अंदर फ्रेंड्स आपको विंडोज 10 का इंस्टॉल ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है प्री इंस्टॉल्ड, तो ये अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो और जब अभी क्या हो रहा है, जो विंडोज 10 वो तो अच्छा ही है, सिक्योरिटी के हिसाब से तो विंडोज 10 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी जो स्क्रीन है उस लैपटॉप की, ऑनर मैजिक बुक 15 की, ये 15.6 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आती है फ्रेंड्स, जो आईपीएस पैनल की है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो बहुत ही कम मतलब बेजल लेस, बहुत ही कम आपको बेजल्स मिलेंगे। जो ऊपर ही बॉर्डर रहती है फ्रेंड्स लैपटॉप के ऊपर, वो बहुत ही आपको कम मिलती है, और उसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 87% का है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें जो डिस्प्ले का ये उसके अंदर आपको TUV का आपको सर्टिफिकेशन मिल भी जाता है, ताकि आप जब भी लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपका जो हार्मफुल ब्लू लाइट्स आते हैं आपके आँख के अंदर, वो उसको आप अवॉइड कर पाओगे उस सर्टिफिकेशन से। यानी आप वहाँ से डायरेक्ट आप वो ऑन कर दीजिए TUV, तो डायरेक्ट वो आपको ऐसे करके देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद जो व्यूइंग एंगल है फ्रेंड्स उस डिस्प्ले का, आप उसको 178 डिग्री तक आप वो उसको घुमा सकते हो। यानी कि जो लैपटॉप की जो अभी अभी के जो लैपटॉप है फ्रेंड्स, वो नॉर्मल लैपटॉप कैसे ऐसे खुल सकते हैं ऐसे, लेकिन ये जो लैपटॉप है ये पूरा का पूरा ऐसा हो सकता है, यानी कि 78 डिग्री तक वो बेंड हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो स्क्रीन जो विभिन्न एंगल है वो बहुत ही अच्छा है, आप किसी भी एंगल से आप देखोगे वो अच्छा दिखेगा उसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन बात है वो है इसका प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रोसेसर है वो AMD का राइजन 5 का प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको 3500U प्रोसेसर का मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर अभी ये कैसा है फ्रेंड, ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन अगर लेटेस्ट वाला होता है AMD का राइजन 5 4000 वाला, तो ये अच्छा होता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अंदर कैसा है आपको अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर पा सकते थे, ऐसे वो बहुत कुछ आप उसमें वर्क कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुराना प्रोसेसर है, इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो डेली आपको जो नॉर्मल वर्क होता है वो आप आराम से आप इसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, जो अच्छी बात है, लेकिन कैसा है थोड़ा लेटेस्ट अगर इसके अंदर आप प्रोसेसर रहते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन ठीक है अगर आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर को रेडियन वेगा 8 का ग्राफिक्स मिलता है इसके अंदर, तो आप इसके अंदर आप अच्छे सा जो भी हैवी ऐप्स है वो आप इसके अंदर ओपन कर सकते हो। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको लेटेस्ट DDR4 की रैम मिलती है 8GB की, और साथ ही साथ आपको 256GB की PCIe NVMe SSD आपको मिलती है, जो लेटेस्ट SSD है जिसके अंदर आपको फास्ट प्रोसेसिंग मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा अगर SSD और HDD का कंपैरिजन वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि SSD फास्ट क्यों है और HDD स्लो क्यों है, आपको पूरा फर्क उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे कार्ड के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो
आपका जो पोर्ट है, जो चार्जिंग पोर्ट है, वो आपको टाइप सी में दिया हुआ है, यानी कि आप जब भी आप चार्जिंग पे लगाओगे तो आप टाइप सी के इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर और आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, आप आधे घंटे के अंदर आप 50 से 53% के परसेंट तक आप लैपटॉप की बैटरी चार्ज कर पाओगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, फास्ट चार्जर भी है। इससे क्या होगा, आपको जब भी आप चार्जिंग पे लगाओगे तो 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा, तो इसके बाद आप उसको दिन भर चला सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जो भी बैटरी की लाइफ है फ्रेंड्स, जो आप बैटरी यूज करते हो उसको, वो आपको 6 से लेकर 6.5 आवर्स तक आपको टाइम देता है, जो आप आराम से आप उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। वो अच्छा है फ्रेंड्स, उतना अगर टाइमिंग देता है तो। और उससे क्या होता है, आप दिन भर एक बार चार्ज करने के बाद दिन भर बैटरी के ऊपर चला पाओगे, आप कोई भी काम आप विदाउट इंटरप्शन आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर साथ ही साथ आपको चार्जिंग पोर्ट में तो टाइप सी मिल ही रहा है आपको, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको NFC का भी सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है, जो लेटेस्ट वाला ब्लूटूथ है उसका भी सपोर्ट मिलता है, वाईफाई का आपको सपोर्ट मिलता है इसके अंदर, USB 2.0 का भी सपोर्ट है और USB 3.0 का भी सपोर्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको इसके अंदर आपको अगर HDMI, आपको अगर प्रोजेक्टर लगाना है या फिर सेकेंडरी आपको डिस्प्ले अटैच करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको 3.mm हेडफोन जैक भी दिया है, ताकि आप जब भी आप अगर हेडफोन लगा के अगर सुनना चाहते हो तो वो भी आप सुन सकते हो, ठीक है। और मेन हाईलाइट ये है इसके अंदर फ्रेंड्स, कि इसके अंदर आपको पॉपअप कैमरा मिलता है, जो आपका जो कीबोर्ड है, जो इस लैपटॉप का जो कीबोर्ड है, उसके अंदर आपको एक बटन मिलती है, वहाँ पे जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ऊपर से ऐसा नीचे से वो कैमरा ऊपर पॉपअप हो जाएगा, यानी कि अच्छी बात है फ्रेंड्स। जब भी आप अगर जब आप काम गिरेगा आपको, तब आप उसको वो बटन को प्रेस कीजिए, फिर वो कैमरा ओपन आ जाएगा, काम खत्म हो गया, आप उसी को वहीं पे प्रेस करके रख दो, ताकि क्या होता है, आप कभी भी क्या होता है, डिस्प्ले का अगर कैमरा रहता है तो वो जल्दी से खराब होने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन अगर वो कीबोर्ड पे रहता है तो अच्छा रहता है, ठीक है। और जो इसका जो कीबोर्ड है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता तो अच्छी बात होती है, लेकिन छोटा है ठीक है, लेकिन एवरेज साइज का है तो आप प्रॉपरली टाइप कर पाओगे उसके अंदर, ठीक है। और तीसरी बात ये है फ्रेंड्स, कि इसके अंदर आपको 2-in-1 फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, यानी कि आपको एक पावर बटन है उसी के ऊपर आप फिंगरप्रिंट सेंसर आप यूज कर पाओगे उसी के अंदर, यानी कि वो ड्यूअल टोन आपका वर्क करेगा, यानी कि आप पावर बटन आप जब भी उसको जब भी लैपटॉप चालू हो जाएगा तब आप उसको अगर अनलॉक करना है तो आपको उसी फिंगरप्रिंट सेंसर से आप उसी पावर बटन पे टच करके आप अनलॉक कर पाओगे, ठीक है। तो यही इसके अंदर आपको दो मेन चीजें मिलती है, एक तो पॉपअप कैमरा और दूसरा है फिंगरप्रिंट सेंसर, ठीक है। और इसके अंदर फ्रेंड्स, जो भी आपको डिजाइन मिलती है ये लैपटॉप की, वो बहुत ही लाइट वेट मिलती है आपको, ठीक है। इसका मतलब आपको ये वाला मिनिमम 1.55 kg का ये लैपटॉप है आपका, यानी कि बहुत ही लाइट वेट है, मतलब आप इसको कहीं पे भी आप कैरी कर पाओगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही लाइट वेट है ये सब। और फिर इसके बाद इसके अंदर आपको जेस्चर सपोर्ट मिलते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप अगर कुछ भी जो माउस पैड है उसके अंदर आप अगर कुछ भी जेस्चर सपोर्ट करता है, इसके अंदर आप अलग अलग जेस्चर आप उसके अंदर ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रॉल करना है तो आप माउस से ही स्क्रॉल कर पाओगे, विदाउट आपका जो बटन्स है वो यूज़ किए आप वही से ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड इसके अंदर जो टाइपिंग का जो है, यानी कि आपका जो कीबोर्ड है वो है तो छोटा, लेकिन जैसा आप उसके अंदर प्रॉपरली आप कर पाओगे, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो लैपटॉप है फ्रेंड, वो ये बहुत ही अच्छी प्राइस में दिया हुआ है आपको, अगर आप इसके ओरिजिनल प्राइस देखते हो तो ये 42,990 का आता है, लेकिन इसका अगर आप EMI पे लेते हो या फिर आप डिस्काउंट में देखते हो तो आपको इसके अंदर आपको 39,990 में आपको ये मिल जाता है, ठीक है। आप इसको अगर इसके अंदर आपको अगर ऑफर्स में जाना है तो 5 अगस्त को आप ये लॉन्च सेल पे जाने वाला है, 8 बजे
रात को, तो तभी आपको ये ऑफर्स में आपको मिल सकता है। ठीक, तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।